रिसेंटली इंडिया के FRCV प्रोग्राम को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। FRCV का मतलब है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, और इस प्रोग्राम के अंदर इंडियन आर्मी नेक्स्ट जेन फ्यूचर टैंक्स को इंडक्ट करेगी सर्विस में। बात करें रिसेंट रिपोर्ट्स की, तो आर्मी ऑलमोस्ट सभी टेक्निकल पैरामीटर्स को फाइनलाइज कर चुकी है, और उनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग विद इन 4 ईयर्स इसका पहला प्रोटोटाइप आ जाना चाहिए, ताकि 2030 से इंडक्शन स्टार्ट हो सके। ये प्रोग्राम एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्मी के लिए, क्योंकि ये स्वदेशी मॉडर्न टैंक्स आगे चलकर हमारे 40 साल पुराने T-72 टैंक्स को रिप्लेस करेंगे। और अगर बात करें इनके फायर पावर की, तो इसमें लगी होगी एक 120 मिलीमीटर कैलिबर की गन। इसके अलावा भी इसमें एक कोएक्सियल मशीन गन होगी, जिसकी रेंज अराउंड 1800 मीटर बताई जा रही है। साथ ही एरियल टारगेट्स के लिए भी इसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट गन का प्रस्ताव रखा गया है। अब ये तो बात हुई इसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज की, बात करें इसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की, तो ये लैस होगा दोनों तरह के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से, यानी हार्ड किल और सॉफ्ट किल, ताकि ये आने वाली किसी भी मिसाइल को डिफ्लेक्ट या डिस्ट्रॉय कर सके। चलिए अब वीडियो एंड करने से पहले मेरा आज का सवाल, हर रेजिमेंट का अपना एक मोटो होता है, वीर भोगे वसुंधरा किस रेजिमेंट का?